नेक्स्ट देखते हैं बीसीसी टाइप के स्ट्रक्चर। बीसीसी टाइप में लोग का अरेंजमेंट कैसा होता है उसको समझने के लिए पहले फिगर समझते हैं। सपोज करो कि सर ये हमारे एटम्स हैं और इन एटम्स के बीच में कुछ गैप दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है सर। तो हम क्या बोले, इसको क्लोज पैकिंग बोले कि ना बोले? तो सर कायदे से तो बोला नहीं चाहिए, क्योंकि सर हमारे एटम की साइज जो है वो एटम्स जो है वो एक दूसरे से दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या साइज फैक्टर की वजह से ये सारे एटम्स इस तरीके से टच में नहीं आते, इसका एग्जैक्टली रीजन अभी बाद में पता चलेगा। तो हमारे ग्राउंड लेवल पे जितने भी एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है कि सर ये जिस तरीके से वैसे ही ये है वैसे ही ये है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट दोनों मिल रहा है हमें, तो हम इसको नाम देंगे ए लेयर का, इसको भी ए लेयर का, इसको भी ए लेयर का। सारे एटम ए लेयर के हैं, सब ग्राउंड लेवल पे बैठे हुए हैं और सारे एटम्स का नाम क्या दिया बेटा, ए लेयर का नाम दिया हुआ है। अब मैंने क्या किया कि सर इनके ऊपर हमने सेकंड लेयर का एटम रखा, ठीक है। सेकंड लेयर का एटम अब एक एटम के ऊपर रखो तो गिर जाएगा सर, तो हमने चार एटम का सहारा लेकर के इनके ऊपर सेकंड लेयर का एटम रखा, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, वो कुछ इस तरीके से आएगा, वो कुछ इस तरीके से आएगा, वो कुछ इस तरीके से आया, वो कुछ इस तरीके से आया। अब यहाँ पे कायदे से मैं छोड़ दू क्योंकि मुझे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको दिख रहा है कि सर ए वाला नीचे है क्योंकि यहाँ पे, और बी वाला एक एटम मिसिंग है यानी बी ऊपर है। लेकिन अगर मैं उसको बना दूंगा तो आप फिर मैं कहूंगा कि बी नीचे, ये वाला एटम जो है वो नीचे है, ये वाला ऊपर है, तो आपको वैसा विजुलाइजेशन होगा। हम कहें कि सर ये नीचे है ये ऊपर है, तो वैसा विजुलाइजेशन होगा। तो मैंने यहाँ पे एक एटम नहीं बनाया है, एक एटम और बना सकते थे इसी तरीके का, उसको नहीं बनाया है, जिससे आपको ये पता चले कि सर ए नीचे है उसके ऊपर आपने नेक्स्ट लेयर का एटम बनाया। अच्छा, इसकी पोजीशन पहले वाले से डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है, तो इसको हमने नाम दिया क्या, बी लेयर का नाम दिया। इसको हमने नाम दिया बेटा बी लेयर के। तो बी लेयर के कितने एटम आपको दिखाई दे रहे हैं? बी लेयर के पांच एटम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इन सब स्ट्रक्चर्स को बच्चे बनाने चलते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं ढेर सारे एटम बना देते हैं, जरूरत नहीं है जितने की जरूरत, जितना काउंट करके बना दो, चार एटम हमने ऐसे बनाया, तीन ऐसे बनाया, ठीक। ये ए लेयर के हो गए, बी लेयर के हमने इतने एटम लगाया, ठीक। अब उसके बाद अगर हम डिफरेंट कलर से लेते हैं और थर्ड लेयर के एटम रखते हैं, बी के चार, जैसे बी को रखा तो चार ए का सहारा लेकर के ये सारे ए थे, ये सारे क्या है ए लेयर के एटम है, और इन चार ए लेयर के एटम का सहारा लेके उसके ऊपर एक एटम बी लेयर का रखा गया। अब हमने बी के चार एटम का सहारा ले तो उसके ऊपर एक एक नेक्स्ट लेयर के एटम को रखेंगे, तो नेक्स्ट लेयर के एटम को मैंने रेड कलर से शो कर रहा हूं, तो जैसे रखा फिलहाल अभी हम एक ही एटम रख पाएंगे। लेकिन अगर सर यहाँ पे भी बी लेयर का एटम बनाते तो एक एटम यहाँ पे रख के दिखाते इन चारों के ऊपर, बोलो उसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल ये जो हमारा नेक्स्ट लेयर का एटम है इसको हमने नाम दिया क्या बताओ, वो ए के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा? वो एग्जैक्टली ए के ऊपर जा रहा है, तो इसको फिर से नाम क्या पड़ेगा, ए लेयर ही पड़ेगा। अभी बात समझ में नहीं आ रही सर, आ रही है? सर ए के ऊपर बी है, ये तो क्लियर है। अब बी के ऊपर जो हमने थर्ड लेयर का एटम रखा वो ए के ऊपर ही जा रहा है, ए के ऊपर ही जा रहा है, यानी कि वही पैटर्न आ रहा है, ठीक। तो वही पैटर्न आने का मतलब उसको भी हम क्या नाम देंगे, सेम नाम देंगे, ए लेयर का नाम देंगे। तो हमारे बी के ऊपर ए है और बी के नीचे भी क्या है, ए है। तो पैटर्न ऑफ रिपीटेशन यहाँ पे क्या देखते हैं, पैटर्न ऑफ रिपीटेशन यहाँ आ गया कि सर नीचे ए है और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर बी है, और उसके ऊपर हमें क्या सी दिखाई दे रहा है? नहीं सर, सी को डिफरेंट कलर से मैं शो कर रहा हूं, लेकिन सी भी क्या है, ए है, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम देखोगे तो फिर क्या आएगा, डी आएगा, ठीक। तो पैटर्न ऑफ रिपीटेशन जो है वो हमारा इसी तरीके से चलता जाएगा कि ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप। अब मैं इस तरीके से लिख दिया इसको, लेकिन यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए बी ए बी ए बी टाइप, ठीक है। तो ये पैटर्न ऑफ रिपीटेशन जो हमें दिख रहा है यहाँ पे ए बी ए बी टाइप का दिख रहा है। अगर हमने कहा कि सर इस बी ये वाला लेते हैं, साफ दिख रहा है थोड़ा, इसके नीचे चार ए हैं कि नहीं बेटा, है। इन चारों को मैं लिख देता हूं, तो यहां पर हमारे हो गए इस बी के नीचे चार ए हो गए सर,
ठीक है, और उस बी के ऊपर अगर हम चार रखें पूरी लेयर चढ़ा दें तो चार ए ऊपर भी आएंगे, यानी चार ए नीचे और चार ए ऊपर और बीच में क्या है एक बी, यही तो बीसीसी था। इसे चार एटम ऊपर है, बीच में एक एटम है और चार नीचे है, ठीक, यही हमारा क्या है बीसीसी अरेंजमेंट है। चारों जो नीचे वाले ए हैं ये आपस में टच में नहीं है, उसके ऊपर एक एटम बी इतना बड़े साइज का रखा गया है कि वो चारों के साथ टच कर रहा है, ठीक है, और बी के ऊपर फिर से हमने चार एटम रखे, वो चारों आपस में टच नहीं कर रहे हैं लेकिन वो बी के साथ टच कर रहे हैं, ऐसा कुछ अरेंजमेंट हमारा है तो उसको हम लोग बोलते हैं बीसीसी अरेंजमेंट, क्लियर। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि सर इस बीसीसी अरेंजमेंट में, यहां मैं इसको एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं कि सर कुछ इस तरीके से है, ये हमारी हो गई एक यूनिट सेल और इसमें डिफरेंट कलर से बना दे रहा हूं कि सर हमारा ये हो गया एक एटम, यहाँ एक एटम, यहाँ एक एटम, ये एक एटम, चार ऊपर और चार नीचे, ये चारों आपस में, ये आठों आपस में टच नहीं कर रहे हैं लेकिन एक बीच में हमने एक एटम बनाया हुआ है सर, ये बी लेयर का एटम है जो कि नीचे वाले चारों के साथ टच कर रहा है और ऊपर वाले चारों के साथ टच कर रहा है, ठीक, यही तो बीसीसी था। तो बी वाला जो है वो नीचे वाले चारों के साथ टच कर रहा है, ऊपर वाले चारों के साथ टच कर रहा है, ठीक, बीसीसी है। तो यहां पर अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर पूछें कि सर बी का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया इसका बताओ, आठ, क्योंकि सर नीचे चार ए और ऊपर चार ए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, आठ। सर ए के नीचे कितने बी हैं, अगर इस ए की बात करो रेड वाला जो ए बनाया गया है इसके नीचे कितने बी हैं, एक दो तीन चार, और इस रेड के ऊपर फिर से बी आएगा क्योंकि जो हमारा ए है उसके नीचे बी है और उसके ऊपर भी क्या है बी है, तो उसके ऊपर कितने बी आएंगे, चार, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ईच एटम का, ईच एटम का, ईच इनर एटम बेसिकली, ये जो यहाँ पे कॉमनली लिखा जा रहा है वो इनर एटम के लिए लिखा जा रहा है, चाहे वो ए है चाहे वो बी है, उनकी शक्ल डिफरेंट है लेकिन उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, एट है, इस बात को हमें क्लैरिटी रखनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर सभी का कितना है, एट है, ठीक है। तो सर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए लेयर के जो एटम्स है उनमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है एक प्लेन में, ठीक है, बी के साथ किसी तरीके का ए का अलाइनमेंट नहीं है, बी का अपना अलाइनमेंट कह सकते हो कि बी के बगल में बी वाले एटम आ रहे हैं तो बी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट अपने प्लेन में हो जाएगा, लेकिन ए वाले लेयर के साथ उसका कोई अलाइनमेंट नहीं है, ए का ए के साथ वर्टिकल अलाइनमेंट भी है और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी है लेकिन ए का बी के साथ किसी तरीके का अलाइनमेंट नहीं है, ठीक, ये चीज। अब आते हैं सर इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक बार ध्यान रखना होगा कि सर यहाँ पर जो हमारा ये वाली लेंथ है, देखो यहाँ पे ये सारे एटम टच कर रहे हैं तो मैं इनको कुछ इस तरीके से जोड़ दे रहा हूं, ये पीछे वाला कॉर्नर है, ये आगे वाला कॉर्नर है और ये बीच में ये बॉडी सेंटर से होके जा रहा है, यानी ये क्या है, एक बॉडी डायगोनल है कि नहीं है, ये एक बॉडी डायगोनल है, ठीक है, और बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है ये चीज हमें प्रूफ करनी होगी। सपोज करो कि सर ये वाली एज लेंथ ए है, ठीक है, और ये वाली एज लेंथ भी कितनी है, ए है, तो इनका जो डायगोनल फेस डायगोनल होगा वो कितना आएगा, ए रूट टू। भैया अगर हमारे पास ये ए है और ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, ए रूट टू होगा कि नहीं होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख सकते हैं ये ए रूट टू होगा। तो सर ये वाली डिस्टेंस अगर हमारी कोई भी फेस डायगोनल ले लो तो ए रूट टू है, बोलो भाई कोई भी फेस डायगोनल ले लो ये ए रूट टू है, ये ए रूट टू बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस ए रूट टू, ये ए है ये ए है तो ये कितना हो जाएगा ए रूट टू, और ये कितना है ए, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अब इसको निकाल लेते हैं सर, एक हमारे पास जो लेंथ है ये फेस डायगोनल वाला हमने बनाया ए रूट टू और ये वर्टिकल है ए, तो ये जो हमें बॉडी डायगोनल दिख रहा है सर ये कितना हो जाएगा, ये आएगा ए रूट थ्री, ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल
और ये कितना हो गया बेटा ए रूट थ्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये फेस डायगोनल है, ये कौन सा डायगोनल है? ये फेस डायगोनल है, ये हमारी एज लेंथ हो गई, ये एज लेंथ हो गई, ये फेस डायगोनल, ये जो निकल रहा है वो बॉय डायगोनल निकल रहा है। एक बार कमरे में आप जहां बैठे हैं वहां सोचिए कि सर फेस डायगोनल कितना होगा, ए रूट टू आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला ए हो गया, ये वाला ए हो गया, तो इनके बीच में ये ए रूट टू हुआ कि नहीं हुआ? ए रूट टू ये हो गया। अब ये कितना है? ए है, तो ए हमने ए रूट टू हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में बना दिया, और ये कितना हो गया? ए। यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस ये बनाएगी, ये जिसको बॉय डायगोनल कहा जा रहा है, तो ये कितना आएगा? ए रूट थ्री। ठीक, सॉल्व करके देख सकते हैं, ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया भाई? ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, और ये कितना है? ए स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? थ्री ए स्क्वायर। ए सी बराबर थ्री ए स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर थ्री ए स्क्वायर, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? ए रूट थ्री हो जाएगा भाई। तो ये हमारी आ गई ए रूट थ्री। तो एज लेंथ आ गई सर। अब इस एज लेंथ में अगर हम देखें तो कितने रेडियस आ रहे हैं, कितने एटम्स आ रहे हैं टच में, ये चीज देखना है। तो सर हमने देखा कि सर बीच वाला जो एटम है बी, वो चारों ए के साथ अटैच है, ऊपर वाले भी चारों ए के साथ अटैच है, तो बी वाले का पूरा पूरा क्या आ रहा है? अगर हम इस लेंथ की बात करें कि इस कॉर्नर से उस कॉर्नर की लेंथ की बात करें, क्योंकि ये वाली लेंथ ही ऐसे जिसमें सारे एटम टच में है, बीच में जो बी है वो इस कॉर्नर के साथ टच में है और इस कॉर्नर के साथ टच में है। हम लोग यहाँ पर ए बराबर टू आर नहीं कर सकते कि सर ये ए है और ये ए बराबर टू आर है, ये आर है ठीक है, लेकिन बीच में जो गैप है उसका हमें पता नहीं है। यहाँ पर हम ए बराबर टू आर नहीं कर सकते, हमें ये वाली लेंथ दिख रही है सर जिसमें सारे एटम क्या है टच में है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना करके ये चीज आपको महसूस करा सकता हूँ, इसको मैं अभी बड़ा कर सकता हूँ, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ उसको कि सर ये जो है कुछ इस तरीके से है। हेलो भाई, तो बी वाला जो एटम है वो बी वाला एटम ने क्या किया, इस वाले एटम को भी टच कर रहा है और इस वाले एटम को भी टच कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल। तो सर हम देख रहे हैं कि इसमें कितनी लेंथ आ जा रही है, ये डिस्टेंस हो गई आपकी ए रूट थ्री, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? ए रूट थ्री, जिसमें इसका तो डायमीटर आ गया सर, इसका रेडियस आ रहा है और इसका रेडियस आ रहा है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ए रूट थ्री बराबर कितना हो गया? फोर आर। ए रूट थ्री बराबर कितना आ रहा है बेटा? फोर आर। इसको मैं यहां लिख देता हूं, ए रूट थ्री बराबर फोर आर। ठीक है, यहां तो देखकर ए रूट थ्री बराबर फोर आर, क्योंकि अगर देखो बीच वाला जो है पूरा उसका डायमीटर आ गया, तो डायमीटर हो गया तो उसको टू आर मान सकते हैं। सर इधर वाले एटम के साथ वो टच कर रहा है जिसमें उसका रेडियस आ रहा है, इधर वाले एटम के साथ टच कर रहा है जिसमें उसका रेडियस आ रहा है, तो उसका रेडियस आर, उसका रेडियस आर, उसका रेडियस टू आर, ये कितना हो गया? फोर आर। फोर आर बराबर ए रूट थ्री। अब अगर हम नंबर ऑफ एटम की कैलकुलेशन करते हैं सर, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला सारा लिखा हुआ है, बस वैल्यू प्लेस करनी है हम लोग को। कितने एटम दिखाई दे रहे हैं कॉर्नर पे? आठ एटम दिखाई दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन हो गया 1/8 का, एक एटम बॉडी सेंटर पर है और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1। तो टोटल कितना आ गया? 2। अब वॉल्यूम ऑफ टू एटम अगर हम निकालते हैं तो सर दो एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो 4/3 πr³, एक एटम का है, मल्टीप्लाई बाय 2। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सर निकालने गए तो a³ होगा, a की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं तो 4r/√3 हो जाएगा, a की वैल्यू यहां से निकाले तो क्या लिखेंगे? 4r/√3। अब इसका क्यूब कर देंगे तो 4r/√3 का होल क्यूब। सर दोनों चीज आ गई, वॉल्यूम ऑफ एटम आ गया और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया, तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, तो ऊपर हो गया 4πr³/3 और ऊपर 2 भी है, नीचे कितना आ गया? इसको अब अलग अलग लिख के सॉल्व करते हैं, 4 का क्यूब है सर, 4 3 बार लिख दिया, r³ कर लिया और ये रूट थ्री ऊपर गया तो क्या लिखेंगे? 3√3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? √3 का क्यूब, ये तो क्या हो जाएगा? 3√3।
तो सर यहां से देखो इस 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कटा, r क्यूब से r क्यूब कटा, इस 4 से ये कटा, मैं काट के दिखा रहा हूं, इस 4 से ये 4 कटा, इससे ये कटा, ये 2 जा, इस 3 से ये 3 कटा और इस r क्यूब से ये r क्यूब कटा, तो क्या क्या बचा सर? ऊपर बचा पाई रूट 3 बचा और नीचे क्या बचा? 4 टू जा 8, तो पाई रूट 3 बाई 8, ये याद रखना है यहाँ पे कि इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं पाई के टर्म में वो कितना आता है? पाई रूट 3 बाई 8 आता है। ठीक, इसको सॉल्व करने में वैल्यू कितनी आती है? ये आती है 0.68 के लगभग, यानी कि परसेंटेज हम कह सकते हैं 68%, और वॉल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 32%। आया समझ में? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर ये वाले जो पैकिंग फ्रैक्शन आ रही है वो सिंपल क्यूबिक से तो ज्यादा आ रही है, तो बेटर है उससे कुछ। ठीक है, क्लियर है ये चीज? क्योंकि हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन ही रिजल्ट बता रहा हूँ कि कौन सी बेटर है, वहां पे आ रहा था कितना 52, यहाँ आ रहा 68, तो ये बेटर, इन दोनों बेटर कौन है? ये बेटर है। हो जाएगा बेटा? कोई भी दिक्कत होती है तो वापस आप इसको रिवाइंड करके देखिए दोबारा, फिर से समझ में आएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल नोट कीजिए फिलहाल।